प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये दोस्तों आप देख रहे हैं OETech चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने मोबाइल के अंदर एक एनिमेशन क्रिएट कर सकोगे, कार्टून या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट फिल्म, 5-10 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट कर सकोगे अपने मोबाइल के अंदर। तो कैसे आप करोगे अपने उसी एनिमेशन को, तो मैं दिखाऊंगा आप कैसे करोगे। तो चलिए देखते। तो दोस्तों आप सबको एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। मैं अपने प्ले स्टोर में जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने प्ले स्टोर में आ गया हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है टूनटेस्टिक 3D। देखिए टूनटेस्टिक 3 टाइप किया, यहाँ पर जो पहला वाला ऐप दिख रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना। वहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ऐप्स इंस्टॉल है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। आप इसको यहाँ पर से नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इंटरफेस बहुत ही अच्छा है इसका, फिर ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पर आपको उसी जो प्लस बटन दिख रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरी मोड आएगा। यहाँ पर आप 3 पार्ट में मूवी बना स्टोरी बना सकते हो, या फिर 5 पार्ट में, या फिर यहाँ पर भी 5 पार्ट में। तो मैं अपने शॉर्ट स्टोरी बनाऊँगा 3 पार्ट में, तो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा बिगिनिंग। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटरफेस आ गया लोगो। यहाँ पर आपका स्टोरी दिया है, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर से आप एक चूज कर लीजिएगा। तो मैं इसी स्टोरी को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे कैरेक्टर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इसमें से आप एक कैरेक्टर क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ड्रॉ योर ओन कैरेक्टर, ड्रॉ योर ओन। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी एक कर दिया, अभी इसको क्रिएट कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ आप स्किप मत करना। इसको आप ये बढ़ा सकते हो, इसका मैं बढ़ा देता हूँ, प्लीज़ फिनिश कर देता हूँ फिर। तो देख सकते हैं आप इसके साथ ही एक कैरेक्टर चूज हो गया, यह देखिए कैरेक्टर। लेकिन मैं इसको डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये कैरेक्टर इसको बनाने के लिए अच्छा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर है पहले से ही ऐप्स के अंदर, तो इसमें से आपको एक कैरेक्टर चूज कर लेना है। मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ये 2-3। तो अब यहाँ पर आगे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको स्टोरी बनाने के लिए यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर काउंट शुरू हो जाएगा, 3-2-1, आपका स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर वो जो टाइम काउंट हो रहा है, यहाँ पर से जब ख़त्म होगा यहाँ पर, तब भी आपका स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कैरेक्टर को चूज करने के बाद आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे उसके आवाज़ भी आ सकते हैं। ये जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करके आप बात कर सकती है, इसके ऊपर क्लिक करके बात करिए। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको छोड़ दोगे उसका आवाज़ नहीं आएगी। तो इसको भी आपको चूज करने के बाद इसके आवाज़ को क्लिक करना है। इसके ये चूज कर लिए फिर उसके बाद क्लिक कीजिए, बात कीजिए। इसके ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं,
यहाँ पर आप स्टोरी बना सकते हैं। एक ए है बिगिनर, आपको फास्ट स्टार्टिंग में स्टार्टिंग करना पड़ेगा। कैसे आप मूवी का स्टार्टिंग रखोगे, तो मैं इसको अप कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर साउंड है इसका, देख सकते हैं कलर, फिर उसके बाद यहाँ पर टोन है, यहाँ पर टोन देख सकते हैं, यहाँ एडिटिंग का ऑप्शन दिया है आपको, तो मैं नो म्यूजिक कर देता हूँ। यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिया है, या म्यूजिक चूज कर सकते हैं आप, कैसे इसको म्यूजिक को यूज करोगे, तो मैं नो म्यूजिक कर देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब फिर उसके बाद आपको मिडिल का स्टोरी बनाना पड़ेगा, तो अब इसको मिडिल पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ये लोगों को हट जाने दीजिए, तो मिडिल का जो स्टोरी होगा फिर से वही इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर से करेक्टर चूज कर लेना है, जो पहले वाला करेक्टर था वो आप जैसे चूज करना चाहे कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही कर लेना है। फिर उसके बाद सेम इंटरफेस आपको स्टोरी का मिडिल पार्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे स्टार्ट कर देना, फिर उसके बाद सेम इंटरफेस आएगा, तो देख सकते हैं आप सेम इंटरफेस आ रहा है, देख सकते हैं आप वही जो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो इसका सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया, फिर से थर्ड पार्ट, मेरा मतलब एंड है। यहाँ पर आपको वही सेम कैरेक्टर, वही सेम ये चूज कर लेना है, वो सेम थीम, तो अब आप अदर्स थीम भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर चूज करना है, फिर से वही, फिर उसके बाद वही स्टार्ट काम डाउन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो अब मैं आप कर देता हूँ, ये हमारा स्टोरी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फिनिश पे कर देना है, यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है, जैसे कि आपका टाइटल समझ लीजिए आपका जो कोई टाइटल दे दीजिए, जैसे ही कुछ टाइटल दे दीजिए, मैं डन कर देता हूँ। डायरेक्टर मेरा मतलब है जिसने स्टोरी बनाया है, आप आपका नाम दे सकते हैं, मैं मेरा नाम दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्लिक कर देना है यहाँ पर, तो जैसे ही आप देख सकते हैं स्टोरी का मोड ऑन हो गया, ये देख सकते हैं स्टोरी का मोड, मेरा स्टोरी जो बनाया था उसको ऑन हो गया। मैंने कुछ नहीं बनाया इसलिए वो स्टिल रुक रहा है, तो जैसे ही देख सकते हैं मैंने उसको हिलाया था, फिर उसके बाद देख सकते हैं उसको भी हिलाया था, तो वैसे हिल रहा है। ऐसे स्टोरी बन जाएगा आपको, आप जब बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, और वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस यही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।